औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं और बिल्कुल खुशबाश हैं। और जनाब आज एक नई वीडियो और नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जनाब हमारा आज ये फूड सिस्टम जो है ना, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। और आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, रेसिपी है मटन कीमा विद आलू। तो ये मटन कीमा विद आलू जो है ना, ये एक्चुअली मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश है और इसलिए मुझे ये आज बनाना पड़ रहा है। तो सोचा मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी जो है ना वो शेयर कर दूं। तो जनाब मैंने कीमा जो है ना उसको अच्छे से वॉश करके तो मैंने कुकर में ऐड किया है ताकि कीमा जो है वो गल जाए। वैसे तो कीमा जो है ना वो उसको आप वैसे भी थोड़ा सा पानी डाल के उबलने के लिए रखें तो वो गल जाता है, लेकिन अच्छी बात होती है कि अगर आप कुकर में गाल लें। तो इसमें मैं अदरक लहसुन पेस्ट और प्याज जो है ना वो सब कुछ मैंने डाल दिया है। और अब मैं साथ ही ये टमाटर मिर्चें जो है ना ये भी काट के तो डाल दूँगी। तो फिर साथ ही मैं स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी और मैं फिर इसको 5 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी जी। तो यहाँ पे मैंने नमक और जो है ना कसूरी मेथी ऐड कर दिया है और एक गिलास पानी जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया है। एक गिलास पानी बिल्कुल बराबर है क्योंकि हम सिर्फ 10 मिनट वेट लगाएंगे तो हमारा कीमा जो है ना वो अच्छे से गल जाएगा। एक्चुअली वे मटन कीमा है इसलिए इसको गलाना जो है ना वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही इसको मसाले में भून के पकाया जाए तो फिर ये गलेगा नहीं और फिर इसको खाने में और प्रॉब्लम होगी। तो जाहिर सी बात है फिर इसको गलाना चाहिए। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी और स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर मैं कुकर बंद करूँगी और उतनी देर में हम आलू जो है ना वो उनको छील के बारीक चॉप साइज़ में, चकोर साइज़ में काट लेंगे जी। तो हमने कुकर में जो है ना कीमे में सारे स्पाइसेस, अदरक लहसुन प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें डाल के तो इसको मैंने एक गिलास पानी डाला और मैंने वेट लगा दिया। और 10 मिनट वेट लगाने के बाद हम जो है ना कुकर खोल लेंगे। उतनी देर में हम आलू जो है ना वो उनको छील लेते हैं और छील के उनको जो है ना चकोर साइज़ में काट लेते हैं ताकि जो है ना जल्दी से हम कीमे की भुनाई करने के साथ साथ आलू भी उसके साथ ऐड कर दें। इसके अलावा जो है ना हमारे पास आज स्वीट डिश में है जनाब, स्वीट डिश में आज हम सेवइयां बनाएंगे, तड़के वाली सेवइयां बनाएंगे मीठी और यम्मी सी। तो बस ये पहले हंडिया कुक कर लें, आटा वगैरह गूंद के हमने फ्रिज में रख दिया है। और जनाब आज मौसम जो है ना वो बड़ा प्यारा सा मौसम बना हुआ है और ऐसे लग रहा है जैसे कि बारिश आने वाली है। और इधर से तो नज़र नहीं आ रहा, मैं किचन में हूँ लेकिन अभी मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आप लोग वैसे भी अंदाज़ा कर सकते हैं देख के कि काफ़ी जो है ना मौसम बना हुआ है, बारिश का आंधी का मौसम बना हुआ है। और मैं भी के बारिश का बता रहे थे वैसे, तो देखें अब क्या बनता है। तो बारिश एक दफ़ा हो जाए तो फिर गर्मी जो है ना वो कम हो जाएगी और गर्मी कम हो जाएगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा। तो जनाब इसके साथ साथ खाने पीने का भी मज़ा आ जाएगा। और जो इतनी हॉट गर्मी पड़ी, इतना हॉट मौसम है ना, तो इस वजह से इससे हमें थोड़ी सी ना जो है ना फुर्सत मिल जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग ज़रूर देखें। स्पेशली मैंने जो रात को वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों से मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है वो रेसिपी, और क्योंकि वो खाने में भी इतनी डिलीशियस थी और इतने शौक से हमारे घर वालों ने वो खाई है। आप यकीन करें क्या थी वो, चावलों लहसुन की कड़ी, ये टाइटल है। और इस टाइटल को आप बार बार देखें, आप लोग उससे सीखें और बहुत आसान सी रेसिपी है। कोई सब्ज़ी खाने को दिल ना करे, दाल खाने को दिल ना करे, गोश्त वगैरह किसी चीज़ को दिल ना करे तो आप ये वाली आसान सी रेसिपी जो है ना ये घर में आप बना सकते हैं। और यकीन करें फिर घर वाले जो है ना वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इस तरह की ये रेसिपी बनती है मज़ेदार। तो आप लोग भी मेरी वीडियो जो है ना वो रात वाली, जो कल वाली मैंने वीडियो मतलब के अपलोड की हुई है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा।
आप लोगों को ना बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए अब हम आलू छीलते हैं और काटते हैं जी। तो यहाँ पे हमने दूसरे चूल्हे पर जो है ना वो अजान हो गया, तमाम हो गया। दूसरे चूल्हे पर हमने ना देसी रख दिया, इसलिए अच्छे से गर्म होती है। तो इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही ये सेवैयों का पैकेट है जिला मेरे पास। तो ये मैं सेवैयाँ जो है ना तोड़ मरोड़ के बिल्कुल कचूरा सा बना के ना, तो इसको मैं देसी में फ्राई करूँगी ऑयल डाल के। तो फ्राई करने के बाद फिर उसमें मैं एक गिलास पानी तकरीबन ऐड करूँगी, क्योंकि बस इसमें सेवैयाँ जो है ना वो हल्की हल्की डीप हो जाए, इतना पानी डालना है। और साथ में ही हमने चीनी जो है ना वो डाल लेनी है, जितनी आप लोगों को पसंद है उतनी आप लोग डाल लीजिएगा। और जनाब हमारा चीनी का टाइम जो है ना वो ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन अभी 2-3 मिनट जो है ना वो रखेंगे। तो यहाँ पे आलू देखे मैंने ना चकोर साइज में काट ली है। तो चकोर साइज में काटने का मतलब ये होता है कि कीमे में ऐसे ही इसी तरह के आलू जो है ना वो पसंद किए जाते हैं, और मैंने फिर इसी तरह के ही काटे हैं। अब हम देसी में ऑयल ऐड करते हैं जी। तो यहाँ पे हमने जो है ना सेवैयों में सेवैयाँ जो है ना इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दी है, और जैसे ही ये थोड़ी सी फ्राई होंगी ना हम इसमें पानी ऐड करेंगे और साथ ही हमें इनमें चीनी भी ऐड कर देंगे। हमारा कीमा जो है ना उसका टाइम ख़त्म हो चुका है, हमने चूल्हा बर्नर में से हमने बंद कर दिया। अब हम सेवैयों में भी पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1 कप चीनी जो है ना वो सेवैयों में ऐड कर दी है। एक्चुअली मैं किचन में अब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना भाई, दिल करता है कि फटाफट से कुकिंग करके ना बाहर निकल जाएं। तो इसलिए मैं जो है ना वीडियो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं फटाफट वीडियो बना लूं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है नौकरी तो नौकरी होती है ना। अगर जो है वो मैं कंसिस्टेंसी से अपनी वीडियोज़ डाल रही हूँ तो फिर यूट्यूब का काम है, यूट्यूब प्लेटफार्म क्रिएटर्स का काम है कि मेरे चैनल को प्रमोट करें, मुझे कुछ इस चीज़ मेहनत का फल मिले, कुछ मुझे पता चले कि मैं भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती हूँ, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशनल मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। तो बस अब हम कुकर जो है ना इसको खोलते हैं और इसमें ऑयल वगैरह डालते हैं। हमने कुकर खोला है और माशाल्लाह से जो प्याज़ और टमाटर है और इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से मैश हो चुकी हैं, गल चुकी हैं अच्छे से। और इसको भूनते हुए अगर कोई चीज़ नज़र भी आ रही है ना वो भी अच्छे से ही मेल्ट हो जाएगी। बस ये जो यखनी थोड़ी सी रह गई है ना ये ड्राई हो जाए तो फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और इधर जी सेवैयाँ जो है ना वो पक रही हैं, सेवैयों में हमने चीनी वगैरह डाल दी हुई है।
तो इलायची अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग डाल लीजिए जी, वरना खुद ही खानी है कौन सा, हमें गेस्ट्स के लिए बनानी है। जी तो हमारी हंडिया जो है ना यहाँ पे यानी इसकी बिल्कुल सॉस हो चुकी थी, तो फिर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, और ऑयल ऐड करने के साथ ही मैंने जनाब 1 से 1.5 चम्मच जो है ना गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है, क्योंकि मैं वैसे तो आम खाने में नहीं यूज़ करती हूँ आजकल, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, लेकिन चूँकि मटन है, मटन में फिर आप लोगों को पता है कि गर्म मसाले की खुशबू भी एक खुशबू का अलग ही जायका होता है, तो इसलिए मैंने आज ऐड कर दी है खाने में, और काफ़ी डिलीशियस लग, देखने में भी काफ़ी मज़े का लग रहा है, और पकने में भी काफ़ी इंशाल्लाह मज़े का होगा। और यहाँ पे हम साथ ही आलू भी ऐड कर देंगे, आलू मैंने अच्छे से वॉश करके रखे हुए थे। और यहाँ तक जो है ना इसको वेट नहीं लगाना, इसको हम भूनते ही रहेंगे, ऐसे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और हमारा कीमा जो है ना मटन कीमा वो भी अच्छे से भून जाएगा, उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैंने सेवैयाँ जो है ना वो दम पे रख दी हुई हैं, बस अभी मैं इनको भी बर्नर ऑफ करने लगी हूँ, 2-3 मिनट तक कर दूँगी। और बस इसको अभी हम 15 से 20 मिनट भूनेंगे ऐसे ही, ताकि इसमें पानी वगैरह नहीं यूज़ करना, नहीं डालना, और इसको वैसे ही हमने जो है ना कुक करते रहना है, इसी तरह ही आलू गल जाएंगे और हमारी हंडिया जो है ना वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। तो अभी हम सेवैयों का दम जो है ना वो उतारते हैं, हमने बर्नर इसका ऑफ कर दिया। और कैसा करते हैं इसको हल्की स्पीड पे हम दम पे रख देंगे, ताकि ये ना ख़राब ना हो, आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाए। इसके ऊपर हम तवा रख लेते हैं, चलो आलू अच्छे से गल जाएंगे, फिर हम इसको जो है ना इसकी फ्राई करेंगे। और इधर हम सेवैयाँ जो है ना वो उतार देते हैं, इनका दम जो है ना, सेवैयाँ एक्चुअली सेवैयों का कलर जो है ना वो डार्क हो गया मेरे से जल्दी जल्दी में, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है गर्मियों में ना किचन में खड़े होना बहुत बुरा लगता है, इतनी गर्मी फील होती है ना बड़ी, तो सेवैयाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी कुक हो चुकी हैं और नीचे भी नहीं लगी है, और जल्दी से हमारी सेवैयाँ जो है ना पक चुकी हैं। तो बस अब हमने हंडिया जो है ना वो उसको ऐसे दाम रखा हुआ है, मैंने आज न्यू स्टाइल से दाम रखा है, ताकि जल्दी से आलू जो है ना वो गल जाए और फिर हम अच्छे से इसकी भुजिया जो है बना लें। तो बस कुकिंग का काम जो है ना वो ऐसे है कि जैसे ख़त्म ही तकरीबन हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर।